तो दोस्तों फिर से आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से क्लास नाइन्थ के प्रश्नावली 2.1 के टोटल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी हिंदी मीडियम के आसान से आसान लैंग्वेज में। तो अगर आप आ गए हैं तो दिल थाम के कुछ मिनट तक बैठे रहिए, आपको 2.1 से जितना भी डाउट क्वेश्चन है आपको एक थोड़ा भी डाउट क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। हम यहाँ पर उतार चुके हैं 1 2 3 4 5, पहला क्वेश्चन है, 5 को दिया गया है। आपको नीचे स्क्रीन में आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देने के लिए कहा गया है। मतलब कहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, आपको ये केवल लिख देना है ना, तो ज़्यादा भारी है नहीं। तो आपको ये दिख रहा है, ये जो बहुपद है ना, 4x² - 3x + 7, यह एक बहुपद है। y² + √2, यह भी एक बहुपद है। तो यहाँ पर जितना दिया गया है, कौन कौन पूछा है कि एक चर में बहुपद है। बहुपद का मतलब उसके पावर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे इसके पावर में कितना है, 2 है, x के पावर में 2 है ना, ये y के पावर में 3 है, t के पावर में 50 है, x के पावर में 10 है। तो इसके पावर में यदि कुछ रहेगा तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे, अब बशर्ते ये बराबर में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से x + 2 = यदि 0 रहेगा तो यह एक समीकरण हो जाएगा, यह बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद में बराबर नहीं रहता है, एक चीज़ को समझिएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि 4x² - 3x + 7, देखिए इस समीकरण यानी बहुपद में जो ये x के पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ x के पावर कुछ भी है नहीं है, मतलब एक वो चर है। चर मतलब समझते हैं एक्स वाई जेड ए टू जेड है ना, ये सब चर होता है। तो एक चर में क्या है, बहुपद है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो है इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो यहाँ लिख देंगे बहुपद है, इसका आंसर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक चर में केवल बहुपद है, तो एक चर में बहुपद है। इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो केवल एक चर में बहुपद है, तो यहाँ इसका भी आंसर हम लिख सकते हैं कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, बहुपद है। अब तीसरा वाला हम देखिए, क्या इसके पावर में कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं इसके पावर में, टी के पावर में कुछ नहीं और रूट के पावर में भी कुछ नहीं है, रूट टू के पावर में। इसका मतलब कहेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, लिखेंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है। तो इसका हम आंसर क्या लिख देंगे कि यह बहुपद नहीं है या एक चर में बहुपद नहीं है, दोनों बात शॉर्ट एक ही हो जाएगा, लिखेंगे बहुपद नहीं है या एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बस ही खत्म हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, y + 2/y। इसमें ध्यान से देखिए किसी के पावर में कुछ भी है नहीं, इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, खत्म हो गया। इसमें देखिए x के पावर में 10 है, इसके पावर में तो बहुत है, इसका मतलब ये बहुपद है। y के पावर में भी 3 है, t के पावर में भी 50 है, इसका मतलब देखिए एक चर, दो चर, तीन चर, तीनों चर में बहुपद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन चर में बहुपद है, तीन चर में बहुपद है, बस इसका आंसर कंप्लीट हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को इस प्रकार से हम केवल सॉल्व कर देंगे। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन को पहले समझिएगा और बनाने का प्रयास कीजिए। x² का गुणांक लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि x² का गुणांक। अब गुणांक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए ये 4 और x जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब 4 और x के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। क्या है, गुना। इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि x का जो गुणांक है, मतलब जो उसके साथ गुना हुआ है, उसे हम लोग गुणांक बोलेंगे। तो x के साथ कौन गुना हुआ है, 4। तो x का गुणांक क्या हो गया, 4। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, अब 4x² कर देते हैं, ठीक है। अब 4x² के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। इसका मतलब x² के साथ कौन गुना हुआ है, 4। इसका मतलब ये भी हो गया कि x² का गुणांक कौन है, 4 है। तो यहाँ x² का गुणांक क्या हो गया, 4। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, केवल x² का गुणांक बताना है, x का गुणांक नहीं बताना है, आपको केवल x² का गुणांक बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में कि 2 + x² + x, तो इस क्वेश्चन में खोजिए कि x² कहाँ पर है, तो x² यहाँ पर है ना, x² के पीछे में कुछ नहीं है, तो इसके इसका मतलब क्या हो गया, 1 है। क्या है, 1। तो
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया एक, लिख देंगे कि अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक, है ना, हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। अब दूसरा नंबर में देखिए, एक्स स्क्वायर खोजिए, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है कि नहीं। अब इसके पीछे कुछ नहीं, क्या है, एक, लेकिन यहाँ पीछे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ क्या देंगे, माइनस एक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें खोजिए कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। अब इसके पीछे कौन गुना हुआ है, देखिए पाई बटे टू इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये जो है ना पाई बटे दो जो है एक्स स्क्वायर के साथ गुना हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, पाई बटे दो, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक। कभी कभी पूछता है कि एक्स का गुणांक, अभी आपको हम बताते हैं। अब इसमें देखिए, इस बहुपद में कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं, कहीं नहीं है दोस्त। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो, कुछ है नहीं तो जीरो दे दीजिए, या क्वेश्चन ही मतलब जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है नहीं, और हमको पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता तो उसका हम गुणांक लिखते, नहीं तो हम जीरो लिख देंगे। अब कभी कभी आपके एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ सकता है, कभी कभी क्या पूछता है, एक्स स्क्वायर नहीं देता है, पूछता है कि एक्स का गुणांक बताइए, केवल एक्स का गुणांक। इसका मतलब वह संख्या जो एक्स के साथ गुना हुआ है उसका गुणनखंड बताने के लिए कहा गया। जैसे यहाँ पर थ्री एक्स, तो एक्स का गुणांक क्या हो गया, थ्री हो गया, आप आराम से टिक मार देंगे। जैसे माइनस सात एक्स, माइनस क्या है, सात एक्स, अब इसमें एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस सात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस सात। आप समझ कर पढ़िए, आगे आने वाले दिनों में भी काम देगा। अगर ऐसे केवल काम पार करने के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणांकों को हम निकालेंगे। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, कि 35 के घात के द्विपद का और 100 के घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए, 35 घात होना चाहिए, घात मतलब क्या होता है, पावर, उसका 35 घात होना चाहिए और वो द्विपद होना चाहिए, और आगे लिखने बोला है उसका घात 100 होना चाहिए और वो एक पदी में लिखने के लिए कहा गया। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टेप नंबर वन यानी पहला वाला हम लिख देते हैं कि 35 घात होना चाहिए और द्विपद, तो द्विपद सबसे पहले बनाइए। चलिए हम 2x + y, ये मेरा द्विपद है, एगो ये वाला एक पदी हो गया और ये वाला एक पदी, कितना पदी हो गया, द्विपद, तो मेरा द्विपद बन गया। और इसमें घात कितना होना चाहिए, 35, घात मतलब सबसे अधिक पावर, तो चलिए हम x में दे देते हैं 35, तो 2x के पावर 35 प्लस y, या आप ऐसे भी कर सकते हैं y के पावर में 35 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घात का मतलब ही होता है सबसे बड़ा वाला पावर, आप घात जहाँ चाहे वहाँ आप दे सकते हैं। तो 2x के पावर 35 हम दे दिए, तो ये हो गया आपका, ये पहला वाला आंसर हो गया। और 100 के घात का द्विपदी, सॉरी एक पदी लिखने के लिए कहा है, एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, तो पहला उदाहरण हो गया, आप मेरा घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए और वह एक पदी होना चाहिए। तो चलिए हम x दे देते हैं, ये अकेले मेरा एक पदी हो गया। अब इसके घात में हम 100 दे देते हैं, घात मतलब क्या होता है, पावर, एक पदी भी है और इसके पावर में कितना हो गया, 100 हो गया, सिंपल सा आंसर खत्म हो गया। ढेर सारा लोग दिमाग लगाने लगते हैं। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखने के लिए कहा गया, घात। आपके एग्जाम में भी छाटने के लिए कभी कभी आता है कि निम्न समीकरण में घात क्या होगा, तो आपके पास चार गो ऑप्शन रहता है, तो यहाँ आपके पास चार गो क्वेश्चन है। घात मतलब क्या होता है, उस बहुपद के सबसे अधिक पावर वाला जो है वही वाला संख्या हो जाता है घात। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बहुपद दिख रहा है, 5x³ + 4x² + 7x, इसका घात लिखना हमको, घात मतलब बोले तो सबसे अधिक पावर वाला। तो देखिए इसमें पावर कितना है, 2 है, इसके पावर में कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, इसके पावर में कितना है, 3। तो इस बहुपद के घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद के घात हो जाएगा आपका 3, लिखेंगे इस बहुपद के घात आपका 3 हो जाएगा, इस बहुपद के घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 है, बस आंसर खत्म हो गया, क्योंकि सबसे अधिक पावर में क्या है, 3। अब ये 2 को मत लिख दीजिएगा, खत्म हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें घात मतलब पावर में सबसे अधिक क्या है, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे इस बहुपद के घात 2 है, कितना है, 2 है, बस आंसर खत्म हो गया। तीसरा देखिए इस बहुपद में देखिए घात कहीं भी है नहीं, अब यहाँ टी के पावर में कुछ नहीं, क्या है, 1 है, क्या है, 1। अगर किसी भी संख्या या किसी भी चर के पावर में कुछ नहीं, हमेशा 1 छुपा रहता है, क्या रहता है, 1। तो लिख देंगे कि इस बहुपद के घात में कितना है, 1 है, इस
बहुपद के घात एक है, समझा कि नहीं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर में क्या है, केवल तीन, तो केवल तीन तो क्या है, एक चर, हाँ चर संख्या है, तो इस बहुपद के घात कुछ भी है, कुछ भी नहीं, या तो जीरो लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, तो इस बहुपद के घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद के घात आप जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें पावर एक मत लिखिएगा ना, इसमें हमेशा जीरो रहता है जब संख्या रहता है तब, अगर एक्स वाई जेड टी यू भी रहता है तब उसके पावर में एक होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट किए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं, स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर का, काहे कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कीजिए कि क्या पूछना चाह रहा है, कौन कौन रैखिक है, सबसे पहले रैखिक का मतलब क्या होता है, कौन कौन द्विघाती है, द्विघाती मतलब क्या होता है, कौन कौन त्रिघाती है, त्रिघाती मतलब क्या होता है। देखिए आपको हम रैखिक का मतलब समझाते हैं, रैखिक मतलब किसी बहुपद में अगर पावर एक रहेगा, उस बहुपद के पावर में एक रहेगा तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघाती बहुपद में क्या होता है, उसके पावर में दो होना चाहिए तो द्विघाती बहुपद। त्रिघाती मतलब उसके पावर में तीन होना चाहिए तो त्रिघाती बहुपद। अब इस बहुपद को ध्यान से देखिए, इसके पावर में कितना है, दो है, तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसके पावर में दो है तो ये द्विघाती बहुपद होगा ना, लिखेंगे यह द्विघाती बहुपद है, कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, बहुपद है, काम खत्म हो गया, यही आपका आंसर हो गया है कि नहीं। अब देखिए तीसरा नंबर, दूसरा नंबर में x माइनस एक्स क्यू, एक्स माइनस एक्स क्यू में पावर में अधिकतर देखिए कितना है, तीन है, इसका मतलब यह त्रिघाती बहुपद है, क्या है, यह त्रिघाती बहुपद है, यह त्रिघाती बहुपद है, खत्म हो गया। तीसरा नंबर में देखिए इसके पावर में कितना है, दो, तो लिखेंगे यह द्विघाती बहुपद है, कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, खत्म हो गया, बस और कुछ करना नहीं पड़ता। अब इसमें देखिए कि x के पावर में कुछ नहीं तो क्या होगा, एक होगा, अब जिसके पावर में एक रहता है, जिस बहुपद के पावर में, इसका मतलब वह रैखिक बहुपद होता है, ये लिख देंगे यह रैखिक बहुपद है, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है ना, आपका आंसर खत्म हो गया। पांचवा नंबर में थ्री टी है, इसके भी पावर में कुछ नहीं तो क्या होगा, एक होगा, है ना दोस्त, तो यह क्या हो जाएगा, यह रैखिक बहुपद है, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, बहुपद है। इसमें देखिए आर स्क्वायर है, इसके पावर में क्या है, दो है, तो लिख देंगे यह द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, खत्म हो गया। लास्ट है सेवन, सेवन नंबर क्वेश्चन, सात एक्स क्यू, इसके पावर में कितना है, तीन, तो लिख देंगे यह त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। ये पांच नंबर तक सारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्नावली 2.1 का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो हम खत्म किए, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को सारा आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखिएगा, हम वहाँ रिप्लाई देने का जरूर प्रयास करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेगा। अब अगला वीडियो में आप लोग लाएंगे 2.2 को, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।